वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर फीलिंग्स अबाउट योर फर्स्ट टच। तो आप जैसे ही फर्स्ट टच करोगे उनको किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी या क्या उनके डिज़ायर्स जो है वो रहेंगे। तो यहाँ ये जो है एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप हार्ट बीट से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है आपको वो फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 of Swords, नेक्स्ट आ रहा डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा 4 of Coins, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 3 of Pentacles, नेक्स्ट आ रहा 4 of Swords। ओके, तो पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे 6 of Swords आया। आप लाइफ को, जो आपकी पीछे की लाइफ रही होगी, जो क्लमजी रही होगी या बैड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके बैड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे लव में, रिलेशनशिप में, इस तरीके की चीज़ है। या आपको कमिटमेंट नहीं दिया गया, स्टेबिलिटी नहीं दी गई, या फिर जो है लटका के रखा गया या गलत तरीके का ट्रीटमेंट किया गया, तो उस चीज़ को आप गुड बाय कह रहे हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी है फर्स्ट टच में। वो भी जो है ऐसा फील करेंगे कि आपने जो है उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन या इस तरीके से चीज़, कोई नई सी उनको फीलिंग हो गई है जो उन्होंने कभी महसूस नहीं करी होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 of Coins है, 4 of Pentacles वाली एनर्जी है। एक स्टेबिलिटी, सिक्योर बिहेवियर एनवायरनमेंट वो जो है आप लोग एक दूसरे को दे रहे हो, और इस तरीके से है कि बहुत सिक्योर तरीके से, प्रोटेक्टेड वे में सेफ्टी जो है वो फील करोगे आप भी और वो भी। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा 3 of Coins आया। हो सकता है आपको वर्क प्लेस पे जो है आप लोग एक दूसरे से मिले हो या फिर बातचीत करी हो, तो हो सकता है एक फ्रेंडशिप हो, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी जो आपकी फ्रेंडशिप जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। और नेक्स्ट आ रहा 4 of Swords आया। 4 of Swords जो है वो ये एनर्जी की हीलिंग एनर्जी है। आप लोग दोनों ही हील होगे, जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हो, ज़रूरी नहीं कि ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन जो भी किसी ने भी हर्ट किया हो, चाहे फ्रेंड सर्कल रहा हो चाहे कुछ और रहा हो, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर हो रही है कि आप लोग फील कर पा रहे हो उस चीज़ को और खुशी महसूस कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 4 of Wands है। तो यहाँ पे जो है एक सरेंडर सा हो गया है कि पहले मैं कार्ड्स दिखा लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 of Pentacles फिर से आया है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे यही एनर्जी कि एक सरेंडर वाली जो है सिचुएशन हो गई होगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग एक दूसरे को सरेंडर कर दोगे कि यहाँ पे आप रिजिस्ट नहीं करना चाहते हो आप कुछ भी, कि कोई भी जो है आपको रोके नहीं, या तो आपने बहुत लंबा समय जो है इस चीज़ का वेट किया है, या फिर ये चीज़ रही होगी कि आपने हमेशा कोशिश करी कि सब कुछ जो है वो सही रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोग एक दूसरे के साथ जो है वो आना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है वो ये एनर्जी है कि आप लोग हमेशा एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे थे फिजिकली, स्पिरिट वर्ल्ड में जो है आप लोग हमेशा से एक दूसरे के साथ ही थे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। जैसे ही आप टच करोगे तो यहाँ पर डेस्टिनी जो है वो आपकी चेंज हो रही है, एक दूसरे के साथ आप आ रहे हो और आप उस टच को फील कर रहे हो, डीपली फील कर रहे हो इमोशंस के साथ। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि फिजिकल वे है, इमोशंस नहीं है, यहाँ पर इमोशंस जो है वो ओवरवेलमिंग होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर 3 of Pentacles आया। तो 3 of Pentacles जो है वो कोलैबोरेशन को, एक साथ जो है वो आने को, या एक दूसरे को लाइक करना, किसिंग करना, एक दूसरे को निबलिंग करना, या फिर जो है डीप किसेस करना, यहाँ पे ये एनर्जी है, और वो आपको उठा कर लेके जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप रिजिस्ट नहीं करोगे। तो ये चीज़ जो है वो आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रखेगी, क्योंकि आप दोनों ही इंट्रोवर्ट मुझे यहाँ पे लग रहे हो कि दोनों ही इंट्रोवर्ट होगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन जो है आपको डीपली किस करना पसंद करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि एक केयर की भावना जो है वो आप में दिखाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ये जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं। तो इस तरीके का आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो हो जाएगा, और इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों में रहेगी कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। तो पहला आ रहा है थ्रो मी अगेंस्ट द वॉल, नेक्स्ट आ रहा है वॉचिंग, वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट, नेक्स्ट आ रहा ऑन अ स्केल 1 to 10 यू आर 9, आई एम द वन यू नीड, और नेक्स्ट आ रहा आई नो ऑल योर वीक स्पॉट्स। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। तो यहाँ पे आ रहा है आई हैव नेवर बीन दिस विद बिफोर माई लव, नेक्स्ट आ रहा यू एंड आई जस्ट हैव अ ट्रू कनेक्शन,
आई नो आई एम डिफरेंट एट टाइम बट आई एम लॉयल एज एफ अमेजिंग इन बेड. और नेक्स्ट आ रहा आई वॉन्ट यू टू बी माई बेस्ट फ्रेंड माई नॉटी लवर एंड माई पार्टनर इन लाइफ. नेक्स्ट आ रहा स्लो सडक्शन. आफ्टर अ सुपर स्टीमी नाइट आई वॉन्ट अ कोजी हग. नेक्स्ट आ रहा है वियरिंग योर शर्ट इट स्मेल्स लाइक यू. यार डीपली इमोशंस जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं. नेक्स्ट आ रहा हैंड्स आई लव आई फेल इन लव विद द वे दैट यू टच मी. और नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू विस्पर इन योर ईयर हाउ आई हैव बीन क्रेविंग फॉर यू. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लेट्स मेक अ मेमोरेबल क्यूट कनेक्शन साइड बाय साइड. अराउजिंग यू अराउजेज मी. यू आर इन माई ड्रीम्स. और नेक्स्ट आ रहा है गो फॉर अ कुकी. तो कुछ इस तरीके की जो है फीलिंग्स रहेंगी आप दोनों के बीच में. चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स. यहाँ पर जो है एक स्टार फिश आई है. हीलिंग एनर्जी आप लोग महसूस करोगे. नेक्स्ट आ रहा टी एंड केटली आई है. तो वो जो है एक नया तरीके का जो है कनेक्शन या कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा, एक इमोशनल कनेक्शन. और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर राइनो आया है. तो डिटर्मिनेशन है, आप लोग अपनी लाइफ के लिए डिटर्मिंड हो जाओगे. तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग. सॉफ्ट एज स्नो बट वार्म इन साइड माई ब्लडी वैलेंटाइन. और नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट योर SCX जॉर्ज माइकल का. तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे. तो पाइल नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. नंबर टू, अगर आपने हार्ट बीट को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है वो फील करेंगे आप. आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स. ओके. नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस. नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स. और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स. और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके. तो पहले मैं आपको जनरल एनर्जी बता देती हूँ. यहाँ पे जो है वो ऐसा समझेंगे कि पहले जो है कि शायद आपको वो डिज़र्व नहीं करते, उनको जो है किस्मत से आप मिल गए हो. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग का जो है वो कोशिश करेंगे संभालने की और समझदारी से चलने की. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ कॉइंस है. वो आपको प्रोटेक्टिव सेफ फील करवाना पसंद करेंगे, आपके लिए थोड़े से पजेसिव रहेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से भी जो है वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं. यहाँ पे जो है आपकी प्रोटेक्शन जो है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी. जैसे ही आप उनको टच करोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके हो. तो कुछ इस तरीके की एक एक्सेप्टेंस है. उस एक्सेप्टेंस का कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है बट एक्सेप्टेंस है. तो इस तरीके की चीज़ है वो आपको अपना लवर या आपका अपना जो हस्बैंड वाइफ की तरीके से जो है वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी और इस तरीके की एनर्जी है. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है. तो ये आपकी डेस्टिनी में है. आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे से मिल जाओगे. आपको खुद नहीं पता है कि आप लोग कैसे एक दूसरे की लाइफ में आओगे. सुनने में जो है वो सेंसिबल नहीं लगता लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आ जाओगे. नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है. एस ऑफ कप्स है. जैसे ही आप टच करोगे उन्हें तो उनको जो है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिक्योरिटी लगेगी और वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप उनके हो. तो वो जो लव है वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया. तो यहाँ पे क्यूपिड जीरो वाली स्ट्राइक वाली चीज़ है कि आपको जो है वो ऐसा उनको फील होगा कि आप रोमांटिकली जो है वो उनसे इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो और आप दोनों ही जो है वो इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी. तो एक एक्सेप्टेंस है और उस चीज़ का कोई रीज़न नहीं है. नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड आया है. जैसे ही आप लोग टच करोगे तो एक रियलाइजेशन है कि अब जो है हमारा परिवार बन गया है और अब जो है हमें एक दूसरे का साथ देना है और हमेशा देना है. तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो विशी वॉशी हो या गलत हो. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फूल का कार्ड है. आपकी लाइफ की तरफ जो है आप आगे बढ़ जाओगे. और लास्ट में आ रहा है हायरोफेंट है. तो इस शादी को बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के तरीके से डेडिकेटेड वे में जो है फोकस्ड वे में आप लोग एक दूसरे का साथ निभाओगे और यहाँ पे डीपली किसिंग होगी यहाँ पे. लेकिन उससे ज़्यादा जो है एक खुशी जो है वो चेहरे पे चमक जो है वो यहाँ पे रहेगी और आप लोग खुशी से जो है एक दूसरे के साथ मतलब देखोगे और एक्सेप्ट कर लोगे. और यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक्सेप्टेंस है. यहाँ पे ये चीज़ रहेगी कि आँखों में जो है वो इशारा से हो जाएगा कि हाँ एक्सेप्टेंस है. तो आप उनके लिए प्रायोरिटी हो जाओगे, वो आपके लिए प्रायोरिटी हो जाएंगे. तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है. चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए. द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस इज रिक्वेस्टेड इन द बेड. तो ये चीज़ सोचते हैं. नेक्स्ट आ रहा आई वॉन्ट टू टेल यू सो सॉफ्टली इन योर ईयर अबाउट हाउ मच आई लव यू वेन आई एम क्लाइमैक्सिंग. नेक्स्ट आ रहा है SWAK सील्ड विद अ किस. नेक्स्ट आ रहा बिटवीन द शीट्स. क्लास एवरी पीस ऑफ यू इज परफेक्ट. योर हेयर आई सेंट ऑल ऑफ यू ड्राइव्स मी क्रेजी. नेक्स्ट आ रहा ग्रैबिंग होल्ड ऑन टाइट इट्स गोना बी रफ राइड. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे
32 फ्लेवर्स विच यू वॉन्टेड डियर। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कर्व्स, रनिंग फिंगर टिप्स ओवर एवरी इंच, स्लो किसेस टिकल्स अप इनर थाइस। तो ये चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है मैसेजेस में। यू मेक मी हेवन, यू मेक मी फील हेवन हेवन इन योर आइज। नेक्स्ट आ रहा है इरोटिक फोप्ले, यू आर सो यूनिक इन योर ओन वे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट योर ड्रीम्स एंड मेक यू सी यू एम। और नेक्स्ट आ रहा है सेक्स साइज। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट दैट रोमांटिक सेंशुअल किस एंड स्टीमी नाइट विद यू, ओनली विद यू। और लास्ट में आ रहा है रीड माई लिप्स एज दे मेक देअर वे डाउन द लेंथ ऑफ योर बॉडी, अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स दैट दे आर साइलेंटली माउथड ओवर द ट्रेल ऑफ गूज बम्प्स दे लीव ऑन द स्किन यू आर माइंड। तो यहाँ पे जो है आप लोग एक्सेप्ट यहाँ पे कर रहे हो, एक्सेप्टेंस वाली जो है सिचुएशन है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक ड्रैगन फ्लाई आई है, यहाँ पर जो है एक सेलेमेंडर आया है और इनर पीस भी आई है। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और एक अच्छे सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और इनर पीस या एक्सेप्टेंस जो है वो लाइफ में आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है आई टच माई सेल्फ डिवलिंस का, और नेक्स्ट आ रहा है हेलो आरका बादू का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।